आपकी जो स्ट्रैटेजी समझ में नहीं आई वो ये कि 9 महीने बाद सत्येन जैन का इस्तीफा कैसे हो गया और मनीष सिसोदिया का इस्तीफा क्यों हुआ? अगर आप लोग मानते हैं कि वो निर्दोष है, बीजेपी की स्ट्रैटेजी है, तो आप दबाव में क्यों आ गए? अब तो अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांग रहे हैं, तो आप उनका भी इस्तीफा ले लेंगे उनकी स्ट्रैटेजी के तहत? आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही सर? अंजना जी, दोनों बातें आपको कहा कि आज के 10 दिन बाद बजट पेश होना है, बजट पेश होना है, बजट की तैयारी करनी है। हाँ। और 18 डिपार्टमेंट थे, क्योंकि जैन साहब का डिपार्टमेंट इनके पास था, अपना भी डिपार्टमेंट था। अब ये बजट तो ऐसे नहीं आएगा ना, फिर तो मंत्री की जरूरत है, दिल्ली की जनता का काम है। तो मनीष जी ने कहा कि देश की दिल्ली की जनता काम सफर ना करे, इसीलिए जैन साहब ने भी सोचा और मनीष ने सोचा हम इस्तीफा देते हैं ताकि जनता का काम, इसकी जो रोज की कहानी होती है, ये भी प्रोपेगेंडा करते रहते हैं, ये भी प्रोपेगेंडा से बचे कि हम वो काम कर रहे थे, दिल्ली जनता का काम हो रहा है। वो कारण था कि मनीष जी ने इस्तीफा दिया और जैन साहब ने भी इस्तीफा दिया। ये चिट्ठी कब लिखी थी उन्होंने? इस्तीफे की चिट्ठी कब लिखी थी सर? इस्तीफे की चिट्ठी कब लिखी? जानकारी वो सारी जानकारी आपको जिन्होंने लिखी सब तक मिल जाएगी, लेकिन इम्पोर्टेंट ये नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी जो झूठ की राजनीति परोसने का काम कर रही है, जिस तरह से प्रोपेगेंडा फैला रही है, सच इसका कोई वास्ता नहीं है। उस वास्ता को लेकर के देखिए, वो एक है ना कि लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ का सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा, इस दौर में फरियादी जाए कहां, पुलिस भी तुम्हारा, सरकार भी तुम्हारा, तुम जो मैंने कह दो, तुम्हारी मर्जी है। अच्छा, ये लोग जो अरविंद केजरीवाल, आपने कहा सर आपने कहा कि इनका प्रोपेगेंडा चलता कि बजट कैसे पेश होगा, इसलिए मनीष जी ने इस्तीफा दिया। अब ये प्रोपेगेंडा चला रहे कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे। वही तो कह रहा हूँ, जवाब दीजिए ना। ये लोग अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांग रहे, इस्तीफा होगा? मैं जवाब मैंने पहले दिया कि मनीष जी को अभी अरेस्ट ही इसीलिए किया गया बजट से पहले, कि बजट से पहले अरेस्ट कर लेंगे तो बजट तो कोई दूसरा मंत्री पेश करेगा। तो इनकी पूरी प्रोबेबिलिटी बड़ी स्ट्रांग है कि अगर दूसरा मंत्री जो ही इस्तीफा देंगे, ये क्योंकि मनीष जी तो दिल्ली काम सफर नहीं होने देंगे, क्योंकि वो केवल सत्ता के लिए नहीं आए, दिल्ली की जनता की भलाई के लिए आए, फिर हम पहुंच जाएंगे अरविंद केजरीवाल जी के पास। लेकिन ये आपके मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ गौरव जी, इस बार जो आपने गलती की है, इस गलती का जो आप 2024 आने वाले समय में मिलेगा, पूरा देश आज स्तब्ध है, कह रहा है शिक्षा का मॉडल दिया वो कभी इस तरह के संचार नहीं कर सकता और साबित नहीं कर पाई आपकी एजेंसी आज तक, चार्जशीट में कभी साबित नहीं दिखा पाई। आपने गाहे बागाहे में अरेस्ट करके अपनी ताबूत की आखिरी कील अपने आपने ठोका है। आपने मेरे 3 बार पूछने पर भी जवाब नहीं दिया। संजीव जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये लोग अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांग रहे हैं, उस पर क्या जवाब दीजिएगा इनको? ये इनके हसीन सपने हैं, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने ये देखते रहे हैं। देखिए, आपके सपने हैं ये, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं आपके गौरव जी, वो कह रहे हैं बात सत्ता की नहीं, सत्ता की नहीं। अरविंद केजरीवाल वो शख्स है कि मुख्यमंत्री रहते हुए सत्ता को टोकना नहीं चाहता था। ठीक, अब जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं मुंगेरी लाल के सपने ये जो आप लोग अरविंद जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। अंजना जी, मैंने बीच में जानबूझ के नहीं टोका। जितना पापी आपका प्रवक्ता बोलेगा, उतना इनका घिनौना चेहरा, भ्रष्टाचारी चरित्र सामने आएगा। और जनता ने आज भारत की ये बात देखी है। हमने जो जो प्रश्न किए, आपने बार बार कहा कब दिया इस्तीफा, इन्हें खुद ही नहीं पता है। केवल केजरीवाल को पता था, उन्होंने जेब से निकाला, इस्तेमाल किया और आगे बढ़े। मैंने सवाल पूछे, मैंने कहा अ कैबिनेट मीटिंग हेडेड बाय अरविंद केजरीवाल, उसी ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को ये शक्ति प्रदान करी कि वो निर्णय लेगा, और उसी की सिफारिश पे शराब नीति बनी जिसको अप्रूव किया गया। अरविंद केजरीवाल संविधान पढ़ें, वो पढ़ें 239AA6 जो कहता है सामूहिक जिम्मेदारी होगी। अगर एक तिहाई मंत्री भ्रष्ट निकल के जेल जाते हैं, गिरफ्तार होते हैं, 6 में 2, तो क्यों नहीं माना जाएगा कि अरविंद केजरीवाल ही वो किंग पिन है जिनके इशारे पे ये भ्रष्टाचार हो रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, देखिए, भ्रष्टाचारी प्यादा हट गया, अभी जो असली भ्रष्टाचारी राजा है, जो लूट रहा है, वो बाकी है। और पुराने अरविंद केजरीवाल और नए अरविंद केजरीवाल को जरा समझिए। पुराना अरविंद केजरीवाल आके कहता था अगर किसी नेता पे संवैधानिक पद पे हो आरोप भी लगे तो तुरंत इस्तीफा दीजिए। आप उनके वक्तव्य और बयान निकाल सकती हैं अंजना जी।
नया वाला कहता है कि नहीं मैं मंत्री बनाए रखूंगा, 8.5 महीने बेल चाहे ना दे कोर्ट, चाहे दिल्ली उच्च न्यायालय कह दे कि भ्रष्ट मंत्री मंत्री बने रहेंगे कि नहीं, मुख्यमंत्री को विचार करना चाहिए, लेकिन तब हटाया जब मनीष सिसोदिया बिल्कुल स्पष्ट रूप पे प्रथम दृष्टया कोर्ट से फटकार लगती है और भ्रष्टाचारी पाए जाते हैं। तो आप देखिए फर्क पुराना अरविंद केजरीवाल और नया। अब दूसरा मैं दिखाता हूं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं, अन्ना हजारे उनके गुरु हैं, उन्हीं को ठग लिया। ये अरविंद केजरीवाल को एक चिट्ठी लिखी अन्ना हजारे ने कि शराब के ठेके कैसे दिए जाएंगे, एक पुस्तक थी पुराने अरविंद केजरीवाल की जो अब मिलते नहीं है, अब तो भ्रष्टाचारी है। उसमें मैं एक लाइन पढ़ दूं, अरविंद केजरीवाल ने लिखा, समस्या वर्तमान समय में शराब की दुकानों के लिए राजनेताओं की सिफारिश पर अधिकारियों द्वारा लाइसेंस दिया जाता है, हाँ। और खुद ही उसके बाद सुझाव देते हैं, शराब की दुकान खोलने का कोई लाइसेंस तभी दिया जाना चाहिए जब ग्राम सभा इसकी मंजूरी दे दे, वहां उपस्थित 90% महिलाएं इसके पक्ष में मतदान करें। अब आप बताइए, स्कूल के बाहर शराब का ठेका, हॉस्पिटल के बाहर शराब का ठेका, रेजिडेंशियल कॉलोनीज के बाहर शराब का ठेका। गौरव जी, ये केवल मैं इतना कहूंगा, आज बच्चे कह रहे हैं हम आपको चाचा कैसे बुलाएं, आप इतने भ्रष्टाचारी हो, चाचा आप खाना खाओ या ना खाओ, रिश्वत मत खाओ, बस हमारे नाम की रिश्वत मत खाओ। और तीसरी बात, अगर आप समय दे दे आधा एक ठीक मिनट है, नहीं थोड़ा सा रुक जाइए, पहले मेरा अब एक प्रश्न सुनिए, एक प्रश्न सुनिए। एजेंसीज इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, एजेंसीज ने बहुत सोच समझकर, पहले एफआईआर में नाम भी नहीं आया था हालांकि जिक्र था, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते अब उन्होंने अरेस्ट किया मनीष सिसोदिया को, मनीष सिसोदिया ने इस्तीफा दे दिया। अरविंद केजरीवाल पर अगर कार्रवाई होनी है तो एजेंसी जांच करेगी ना, बीजेपी थोड़ी डिसाइड करेगी कि वो कसूरवार है या नहीं है। नैतिकता के पैमाने पर अगर आप इस्तीफा मांगते हैं तो फिर तो नैतिकता का पैमाना उन लोगों पर भी लगेगा जो आपके शासित राज्य में है। उन्नाव के विधायक को जेल हुई है ना, तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि इस्तीफा मुख्यमंत्री को देना चाहिए? ये कौन सी बात हो गई? अगर नैतिकता है तो फिर वहां भी लागू होनी चाहिए। अंजना जी, मैं समझता हूं एक तरफ इक्का दुक्का नेताओं को छोड़ दीजिए या लोगों को छोड़ दीजिए जो कह रहे ये कौन सी बात हो गई, क्यों इस्तीफा दें भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल। मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहता हूं, ये हम नहीं बता सकते कि जांच एजेंसी क्या कार्रवाई करे, कब करे, किसके खिलाफ करे, अरेस्ट करे, पूछताछ करे या ना करे। हमने ये नहीं कहा, हमने ये बात कही कि जो सारे तथ्य मीडिया में है, कोर्ट में पेश हुए, जो सार्वजनिक भी हैं, उनको अगर कड़ियों को जोड़ा जाए तो एक ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ये पाप जो हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, ये अरविंद केजरीवाल के कहने पे हुआ है। और इसलिए हम लोग एक राजनीतिक पार्टी है, बड़ी जिम्मेदारी से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, और यही जनता भी कह रही है कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। वो अरेस्ट होंगे नहीं होंगे, कब होंगे, पूछताछ होगी, ये जांच एजेंसियां तय करेंगी, लेकिन राजनीतिक तौर पे एक भ्रष्ट मुख्यमंत्री प्रथम दृष्टया, जिसकी कैबिनेट के 2 मंत्री 1/3 मंत्री जो है आज जेल की सलाखों के पीछे हैं, केवल इस्तीफा दे दे, इससे मुख्यमंत्री नहीं बच सकता है।